हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट रूली में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी का बुक एक्सरसाइज है 5.3, क्वेश्चन का नंबर है 9। क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करें। चूँकि प्रथम 7 पदों का योग दिया हुआ है 49, देख रहे हैं ना, तो इसलिए हमने लिख दिया कि प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 बराबर 49। तो फार्मूला लिखते हैं, SN का फार्मूला हो जाएगा सूत्र SN बराबर N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1 डी होता है। तो एस सेवन तो एन की जगह पर 7/2 टू ए क्योंकि ए नहीं है और डी भी नहीं है, प्लस एन की जगह पर लिखेंगे 7 माइनस 1, डी तो है नहीं। और देखिए क्वेश्चन जो आपके बता रहा है कि S7 का यानी 7 पदों का योग है 49, तो यहाँ हमने 49 को लिख दिया। अब हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 में से घटेगा 6d बराबर 49, या 2a प्लस 6d बराबर 49। और ये 7/2 जो है इसको ला करके उल्टा गुना कर देते हैं तो 2/2 हो जाएगा 7, 7 × 7 = 49। अब हो जाएगा आपका 2a प्लस 6d बराबर 7 × 14। अब देखिए 2 के कॉमन ले लेते हैं तो तीनों कट जाता है, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 3d बराबर 7। तो हो जाएगा आपका a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण हो गया आपका 1। पुनः आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसी प्रकार लिखेंगे प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 बराबर है 289। तो S17 बराबर फार्मूला लिख देते हैं N/2 2A प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। तो एन की जगह पर लिखेंगे 17/2, ए तो नहीं है डी भी नहीं है, प्लस एन की जगह पर होगा 17 - 1, डी तो नहीं है तो डी लिख दिए, आपका 289 हो जाएगा आपका 17/2 2a प्लस 17 में से घटेगा 16d बराबर 289, या 2a प्लस 16d बराबर 289 गुना, देखिए 17/2 है तो उल्टा गुना कर देंगे 2/17, 17 × 17 हुआ 289, 17 और 2 का गुणा कर देंगे ये हो जाए 2a प्लस 16d बराबर 17 × 34। 2 से कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 2 × 8 = 16 8d 17 × 34, तो आपका हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। यह हो गया समीकरण दो। अब समीकरण 1 को घटा लेंगे, समीकरण 2 - समीकरण 1 से 2 कितना है, समीकरण a प्लस 8d बराबर 17 और पहला समीकरण है a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7।
प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, उल्टा होता है। आठ में से तीन घटेगा 5d बराबर, 17 में से सात घटेगा 10, d बराबर हो गया 10/5, 5 × 2 = 10, यानी d बराबर हो गया आपका 2, d बराबर हो गया 2। अब समीकरण एक में d का मान रख दें, समीकरण एक में d का मान रखते हैं हम, समीकरण एक में d का मान रखने पर देखिए समीकरण एक कितना है, a + 3d = 7, तो लिख देते हैं a + 3d = 7 हो गया। तो a + 3d के जगह पर लिखेंगे 2 = 7, a + 3 × 6 = 7, a = 7 + 6 है तो -6, a = 7 में से 6 घटेगा आपका 1 हो जाएगा। तो हम a भी यहाँ निकल गया और d का भी मान निकल गया। तो n क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट में देखिए कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें, तो क्या लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा लें, योग के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, SN = n/2 2a + n − 1 × d। तो n का मान है, तो n तो है नहीं, n/2 टू एक ही जगह में होगा एक, देख रहे हैं ना, एक प्लस n तो नहीं है, n − 1 और d के जगह पर लिखेंगे 2 जो अभी निकाले हैं, तो हो गया आपका n/2, 2 × 2 प्लस 2 और n का गुना करते हैं तो 2n हो गया, −2 × 2 n/2। अब ध्यान दीजिए ये प्लस 2 है माइनस 2 है, प्लस माइनस है तो घट जाएगा, तो बच क्या गया मेरे पास 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया n और n, यानी हो गया n²। अब आंसर लिख देंगे, अतः इस एपी के प्रथम n पदों का योग, अतः इस एपी के, अतः इस एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग n² है, यही आंसर हुआ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने दोस्त को भी इस चैनल के बारे में बताएं। आपको 10th क्लास का पूरा मटेरियल आपको इस चैनल से मिल जाएगा। हम लोग अगले वीडियो में 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।